सो फ्रेंड, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएट हो चुके हैं और MBA करने की सोच रहे हैं आगे अपने लाइफ में, बट उससे पहले डोंट टेक मी एज अ यूट्यूबर। अगर आप मुझे एज अ यूट्यूबर देखेंगे तो आप मेरे वीडियोस पर बिलीव ही नहीं करेंगे। मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से या फिर मेरे अगल बगल मेरे फैमिली मेंबर जैसे ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, आपको टोटली रिसर्च लेकर के आपको बताऊंगा कि आपको MBA करने की सोच रहे हो तो कैसे करना चाहिए, कोचिंग कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए, क्या आप घर बैठे कर सकते हैं, एंड क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ MBA कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो आपको क्या अलग से MBA की तैयारी करनी होगी, बात करेंगे टोटली इसी टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जॉन को और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं सुमित जॉन। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज को रिव्यू किए हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो आपको 100% जॉब दिलाती हैं बैंकिंग सेक्टर में, IT सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में। आप जाएं इन प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो जरूर बेनिफिशियल होगी। सो फ्रेंड, अभी आप ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं और MBA करने की सोच रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग क्या है आप मेरे साथ बताइए। अपने मन में सोचिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली MBA ही करना है, आपकी कोई फोकस और नहीं है गवर्नमेंट जॉब की एंड कोई और जॉब नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली MBA ही करना है। अगर ये चीज़ें हैं तो ये एक अलग साइड है, ठीक है। दूसरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेफ साइड के लिए आप MBA करना चाहते हैं, तो इसकी भी एक अलग साइड है, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली एक MBA करना चाहते हैं डिग्री पाने के लिए, बस कैसे भी MBA करना चाहते हैं, राइट। तो फिर ये जो मैंने तीन अलग अलग लोग किए, ये इस टाइप के लोग होते हैं। पहली बात करेंगे जिसकी डायरेक्टली फोकस कैट ही है, मुझे कैट ही क्लियर करना है ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएट हो चुका हूँ अब मुझे प्रिपरेशन करना है। तो अगर आप एक बिगिनर्स हो, आज से आपने पहले कभी कोचिंग नहीं ली है, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एम है कि आपको कैट एग्ज़ाम क्लियर करनी है विथ गुड परसेंटेज, लाइक 95%, 98%, 99%, तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। आप अपने टाउन में ही जो आपका बेस्ट है या फिर नियरेस्ट टाउन में जो बेस्ट है आप उसमें एडमिशन ले लें। हालांकि यूट्यूब पर एंड सोशल मीडियाज़ पर, नेट पे, गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप एक हार्ड वर्कर हो तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, क्योंकि आप जिस कोचिंग में जाओगे वहाँ पर कोई और चीज़ आपको सिखाई नहीं जाएगी। वहाँ पर आपको आपके बेसिक जो सिलेबस है वो क्लियर किया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट दिलाया जाएगा। तो लास्टली मेहनत आपको ही करना है ट्यूशन के बाद, कोचिंग के बाद अपने घर पर। तो आप ये चीज़ें यूट्यूब पर भी एंड अदर मीडियाज़ पर भी आप देख सकते हो, सीख सकते हो। बट ट्यूशन में, कोचिंग में क्या होता है, वहाँ पर आप टीचर से मिलेंगे, आपकी इंट्रैक्शन होगी, तो एक वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मिलता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एक बार तो कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए टोटली सिलेबस समझने के लिए, पैटर्न समझने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड उनके लिए जिनको कैट एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर जो टॉप एग्ज़ाम्स हैं MBA करने के लिए वो क्लियर करना है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। बात करें फ़ी की, तो एक जस्ट कोचिंग जस्ट ब्रांड आपको बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, बट यहाँ पर आप 40 to 50,000, 60,000 से ज़्यादा नहीं आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। अगर आप MBA करना चाहते हो, कैट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो इतने पैसे आपको लग जाएंगे। अदरवाइज एक हार्ड वर्कर हो आप, तो आप घर बैठे भी सीख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सिखाया जाता है। एंड फ्रेंड, अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आप कैट एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तो ये थोड़ी आपके लिए टफ पड़ सकती है, क्योंकि कैट इज़ अ टफेस्ट एग्ज़ाम फॉर MBA। तो आपको उसके लिए पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो आपको हो सकता है आपके पास टाइम कम पड़ जाए कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओ, क्योंकि आप एक टाइम में एक ही चीज़ फोकस करोगे। कम से कम 1 साल 1.5 साल तो आप कैट के लिए तैयारी करें, तब जाकर के आपकी अच्छी परसेंटाइल आएगी आपके कैट एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ पर दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ पीपल की जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सेफ साइड के लिए MBA भी करना चाहते हैं। तो वो जो है फ्रेंड, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एक बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप तैयारी कर रहे हैं बैंक PO की, तो आपकी जो टारगेट होगी कि जैसे कि कैट एग्ज़ाम टॉप होती है, GMAT होती है, उसके मतलब कि CMAT होती है, तो आप अगर बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं तो आप CMAT एग्ज़ाम में, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंक PO की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप CMAT एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना कोई इंस्टीट्यूट, बिना कोई कोचिंग गए हुए MBA की। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे घर से ऐसा हुआ है जो कि बैंकिंग की एस्पिरेंट है एंड उसने CMAT में 80% स्कोर किया बिना कोई MBA कोचिंग किए हुए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको फिजूल की अलग से पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है MBA करने के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, रेलवे की, SSC की, तो आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे लोअर एग्ज़ाम की, मतलब कि CMAT लोअर एग्ज़ाम भी नहीं है, अच्छे से कॉलेजेस मिलते हैं अगर आप CMAT से करते हैं तो। बाकी आप कॉलेज, आप
सीमेट अगर क्लियर करते हैं तो कॉलेज आप वही चूज करें जहां पर आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट हो, 100% प्लेसमेंट हो, आप टॉप कॉलेजेस चुने। बाकी का छोटे मोटे कॉलेज से करने के कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके पैसे जो हैं वो बेकार ही होंगे। तो अगर आप सेकेंड टाइप में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MBA करना चाहते हैं, तो आप कैट एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको डायरेक्टली टोटली फोकस कैट पर ही करना पड़ेगा। बट हाँ, आप सीमेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप 85% तक सीमेट में स्कोर कर सकते हैं। तो आप उसके लिए फिजूल के पैसे MBA की कोचिंग में व्यर्थ न करें, न फेंके। बात करेंगे हम थर्ड टाइप ऑफ पीपल की। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब उनको MBA करना है किसी भी कॉलेज से, बस उनको डिग्री चाहिए MBA की, तो किसी भी कॉलेज से। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से आपको बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन मिल जाती है। अगर आप एंट्रेंस देंगे तो आपको उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, बेसिक ही पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि आपको सीमेट में अच्छा स्कोर हो सके, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको अलग से। बट ये एग्ज़ाम आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो अगर आप एक हार्ड वर्कर हो तो। बट अगर आप नॉर्मली कैजुअल वे में MBA करना चाहते हैं सिर्फ डिग्री पाने के लिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप वो MBA ना ही करें। आप पैसे 4-5 लाख रुपए न फेंके क्योंकि वहाँ से आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, कोई वैल्यू यहाँ पर आज के डेट में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है माय डियर। आप अगर कोई हायर एजुकेशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपको आपके कॉलेज से प्लेसमेंट मिले, अदरवाइज आप कहीं के भी नहीं रहोगे। आप ये नॉर्मली कैजुअली वे में जो MBA करोगे उससे अच्छे जो कोर्सेज है मेरे चैनल पर हैं, आप जाएँ देखें, आपको 100% जॉब वहाँ से मिल सकती है, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर आप उन कोर्सेज करते हो तो आपको MBA से अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है उन सब कोर्सेज करके। तो बेटर आप फालतू के पैसे ना फेंके, करना चाहते तो अच्छे कॉलेज से करें, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाइए ताकि आप वहाँ से आपको प्लेसमेंट लग सके। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टिप्स की। आप एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम से 3 महीने पहले जो भी आपकी एग्जाम होगी, कैट के, जीमेट के, सीमेट के, जेट की जो भी एग्जाम होगी, उसके 3 महीने से पहले आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। मॉक टेस्ट आपको आप एग्जाम में जो बैठोगे वो आपको फिल कराता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होती है, तो ये देना ज़रूरी है। बिना इसके आपको अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आप स्ट्रांग होगे इंटरनली। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सेलेक्ट MBA कोचिंग इन इंडिया। आगे और वीडियोस आएगी रिगार्डिंग MBA, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।